हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे कुछ मेरे प्रोडक्ट्स है यार, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। देखो, कुछ थोड़े प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन लिया, थोड़े कुछ ऑफलाइन लिया, तो इसका क्या क्या प्राइस है और उसका क्या यूसेज है उसके बारे में रिव्यू और अनबॉक्स करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे टोटल प्रोडक्ट्स जो कि थोड़े हैं ऑफलाइन वाले और एक है हमारा ऑनलाइन वाला। तो ऑफलाइन वाले 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स है और ऑनलाइन वाला 1 प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है यार, मैं फर्स्ट सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हमारा ज़ेब्रोनिक का माइक्रो एसडी कार्ड रीडर, जो कि एकदम लाइक गिटार जैसा टाइप में है। इसका जो प्राइस है, इसके ऊपर लिखा है 140 रुपीज़, बट लोकल मार्केट में मुझे ये 30 रुपीज़ में मिला हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है यार, छोटा सा है माइक्रो एसडी कार्ड, डायरेक्टली आप अपने जो सीपीयू है उसमें लगा सकते हैं और कार्ड में जो भी है आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। और दूसरा हमारा यूबन वाला ओटीजी केबल जो कि टाइप सी वाला है, ये मुझे ऑफलाइन मार्केट से मिला है 100 रुपीज़ में। तो जिस किसी का भी मोबाइल अगर पेन ड्राइव जैसे को रीड करता है तो ये उनको बहुत काम में आएगा। तो ये मुझे ऑफलाइन में मिला है 100 रुपीज़ में, ठीक है गाइस। और ये रहा हमारा रियलमी का, एक्चुअली ये रियलमी प्रोडक्ट नहीं है गाइस, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। इस पर 2200 लिखा है ये, बट मुझे ये 100 रुपीज़ में मिला है। ये एक्चुअली एक वायर है जो टाइप सी टू टाइप सी है। तो ये अगर किसी के पास भी मोबाइल है तो उनको चार्जिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ वायर ख़राब हो गया, तो ये ऑफलाइन मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ में, ठीक है। और ये रहा हमारा ब्लूटूथ डोंगल, जो कि मुझे ये ऑफलाइन मार्केट से मिला था, ये कुछ 200 या 300 में मिला था, थोड़े दिन पहले लिया था यार, तो 200 to 300 में मिला। तो जिस किसी के पास भी अगर कार है और उसके अंदर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, तो जो कार्ड रीडर रहता है ना यूएसबी का, तो उससे आप कनेक्ट करके ब्लूटूथ इसको एक्टिव कर सकते हैं और जो भी मोबाइल वगैरह है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ कार के लिए नहीं, कहीं पर भी अगर आपके पास जैसा कि कोई स्पीकर्स वगैरह है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है तो वो ये काम आएगा आपको, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये लास्ट वाला, ये है हमारा यूएसबी टू टाइप सी वाला हेडसेट जैक अडैप्टर। ये ओरिजिनल सैमसंग कंपनी का है, इसको मैं कल ही सैमसंग स्टोर पर से परचेस करके लाया हूँ 700 रुपीज़ में। इससे पहले यार मैं लोकल मार्केट से ये एक डुप्लीकेट सैमसंग वाला यूएसबी टू टाइप सी वाला केबल ख़रीदा था, बट ये जो वायर था इसका एक प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे पास एक बोया का ये जो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने एक माइक ख़रीदा था यार, बट ये जो लोकल वाले को अगर कनेक्ट करने पर जो रिकॉर्डिंग में वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अगर सपोज़ अगर गाना सुनना है तो वो गाने सुनने के लिए काम में आ रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग में काम नहीं आ रहा है, तो ये मत खरीदो लोकल वाला। ये ओरिजिनल वाला अभी परचेस करके लाया हूँ मैं, अभी इसको टेस्ट करूँगा कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, वो बता दूंगा आपको। और लास्टली ये जो हमारा प्रोडक्ट है ऑनलाइन से परचेस किया हूँ, ये अमेज़ॉन वाला है, तो इसको अनबॉक्स करूँगा, इसके अंदर क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग तो देख लिया है। देखो, जो अमेज़ॉन का ऑनलाइन जो प्रोडक्ट ख़रीदा था मैं, जो ये रहा गाइस, एक्चुअली ये क्या है, हमारा जो जॉयस्टिक है ये वाला, तो इसके ऊपर का जो कवर है तो ये यार खेल खेल के ये फट गया है टोटली, तो इसको निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो ये निकाल लिया बात, आपका जो ये है हमारा हमारे शेरू के पैर के निशान है इसके ऊपर, तो इसको आराम से आप अपने जॉयस्टिक का जो है ना इसका हेड इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे। वाओ, क्या मस्त लग रहा है यार, ज़बरदस्त लग रहा है, खेलने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जिस किसी के पास भी अगर प्ले स्टोर है या एक्सबॉक्स है, तो इसके ऊपर का जो कवर अगर ख़राब हो गया है, फट गया है, तो आप ये अमेज़ॉन से 200 रुपये में मंगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो पेयर्स है हमारे कुछ 7 पेयर्स है यार, तो ये रहा। और जो हमारा सैमसंग का जो यूएसबी टाइप सी वाला जो केबल है ये रहा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, इसके अंदर एक पेपर वगैरह भी दिया गया है, तो ब्रांड है तो ठीक है,
चलो पढ़ते तो नहीं, लेकिन अभी इसको मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है बोया के माइक से नहीं हो रहा है वो आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा USB का टाइप सी हेडसेट जैक जो कि 3.5 mm वाला है। तो ये रहा मेरा सैमसंग का मोबाइल जो कि S20 FE वाला है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद अगर आप लोकल मार्केट वाला अगर यहाँ पर जो लगाएंगे USB टाइप सी 3.5 mm जैक वाला, तो यहाँ पर एक एरर बोल के आएगा, ठीक है। अगर एरर नहीं भी आएगा बट वो माइक में आपके रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो एट प्रेजेंट मैं इसको लगा दिया हूँ मेरा S20 FE को, ठीक है। तो अभी ये मेरा जो वायर है ये बोया का वायर है, तो इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये कनेक्ट कर लिया। तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, वीडियो। तो देखो गाइस, रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू हेडसेट बोलकर यहाँ पर बता रहा है। तो ये जो क्लिप है मेरा S20 FE से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बोया का माइक लगा दिया हूँ। तो देखो गाइस, मैं आपको ये क्लिप जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये क्लिप आपको मैं बता दूंगा और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा है वो देख लो गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू हेडसेट बोलकर यहाँ पर बता रहा है। तो ये जो क्लिप है मेरा S20 FE से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बोया का माइक लगा दिया हूँ। तो देखो गाइस, मैं आपको ये क्लिप जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये क्लिप आपको मैं बता दूंगा और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा है वो देख लो गाइस, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू हमारे इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो गाइस भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय।